यहाँ पर इतना छोटा कमरा है, यहाँ पर बैग देखकर अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग रह रहे हैं। और एक बैग ऊपर भी टंगा हुआ है और एक बैग यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड में भी बैग रखा हुआ है। तो ये कितना छोटा कमरा, यहाँ पर जो मुर्गी की वो फ्राई हो रही है तेल में, और इधर ये टमाटर कट के तैयार हो चुका है। ऐसे यहाँ पर हमारा जो खाना है वो बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर चावल इन्होंने थाली में लगा चुके हैं और यहाँ पर देखिए बैठ रहे हैं सारे लोग अपनी अपनी थाली के आगे, और मेरी थाली यहाँ पर लगी हुई है बीच में। गाइस गुड आफ्टरनून, तो कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया हो। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम आपको रियल लाइफ स्टाइल दिखाने वाले हैं, वो है मतलब परदेश की रियल लाइफ स्टाइल के बारे में, किस तरह से परदेश में लड़के लोग रहते हैं। लोग सोचते हैं कि परदेश बहुत ही अच्छी लाइफ जीते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं, ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि परदेश में लड़के किस तरह से रहते हैं और किस तरह से वो मतलब एक रूम के अंदर 10-12 लड़के किस तरह से रहते हैं और किस तरह से वो सोते हैं, खाना पीना कैसा क्या होता है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए अब हम आपको अपना रूम दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये है रूम हमारा, और इसी रूम के अंदर हम रहते हैं कम से कम 4-5 लड़के। और इस साइड में देखोगे तो ये है हमारे लैट्रिन बाथरूम, उस साइड में नल है, और ऊपर देख सकते हैं ये सीढ़ी है, ये ऊपर जाने का रास्ता है। इसके अंदर ये देखो कितने लड़के हैं और क्या बना रहा है। हमारे रूम में आपका स्वागत है, आप देख सकते हैं गाइस, गाइस अभी ये लोग बना रहे हैं, चिकन की तैयारी में लगे पड़े हैं, चिकन बना रहे हैं काफी मतलब आप देख सकते हैं कि कैसे बना रहे हैं। और यहाँ पर 5 बंदे हैं और 2 बंदे अभी गमने जा रखे हैं, तो हम 5 ही बंदे हैं अभी, और बाकी तो दिखाओ भाई कैसे बना। देख सकते हो आप गाइस यहाँ पर इतना छोटा कमरा है, यहाँ पर बैग देखकर अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग रह रहे हैं। और एक बैग ऊपर भी टंगा हुआ है और एक बैग यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड में भी बैग रखा हुआ है। तो ये कितना छोटा कमरा है आप देख सकते हैं। तो अभी कितने कहाँ जा रहे हो? चावल धुलने। यहाँ पर देखो ये चावल धुलने जा रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कितने छोटे रूम में हम कम से कम कितने लड़के रहते हैं, हम 7 लोग रह रहे हैं छोटे से रूम के अंदर से। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम 7 लोग इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये इस साइड में खाना बनाते हैं हम लोग, और एक यहाँ पर तखत भी पड़ा हुआ है, तो इसमें फिलहाल कोई सोता नहीं, नीचे सोते हैं सारे लोग। और ऊपर देख सकते हैं ये पंखा चल रहा है हमारा, और ये भाई मशीन तो है नहीं यहाँ पर प्याज काटने वाली, तो भाई ने देखो कितना अच्छा जुगाड़ बनाया है, मिक्सी से बढ़िया मतलब जुगाड़ कर, कितना अच्छा जुगाड़ बनाया है। एक भगोना लिया है छोटा, उसमें प्याज काट के डाल दिया, उसके बाद में एक गिलास लिया जिसकी धार होती है, तो वो गिलास से काट रहे हैं, और अभी चिकन बनता है फिर आपको दिखाते हैं। तो ब्लॉग एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर जो मुर्गी की वो फ्राई हो रही है तेल में, और इधर ये टमाटर कट के तैयार हो चुका है, ये भी चिकन में पड़ने वाला है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये तड़का लगने जा रहा है, अभी जो इसमें प्याज डाल के प्याज की जो फ्राई हो रही है। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो खाना है वो बनकर रेडी हो चुका है, यहाँ पर हमारे भाई हैं वो खाना परस रहे हैं, और यहाँ पर चावल इन्होंने थाली में लगा चुके हैं, और यहाँ पर देखिए बैठ रहे हैं सारे लोग अपनी अपनी थाली के आगे, और मेरी थाली यहाँ पर लगी हुई है बीच में। और आप देखते हैं अब चिकन भी बन के रेडी हो चुका है, ये चिकन का जो है भगोना है, ये चावल लगा रहे हैं, तो देखते हैं अब चिकन खा करके कैसा बनाया है भाई ने। फिलहाल खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही थी, तो खाने में भी हमें लग रहा है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है चिकन। तो आप भाई सबकी थाली में यहाँ पर लगा रहे हैं, तो भैया तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये थाली हमारी रेडी हो चुकी है और खाने लगे हैं। यहाँ पर देखो सारे लोग खाने लग चुके हैं यहाँ पर चिकन। तो भाई कैसा चिकन है बनाया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा चिकन लग रहा है, वो तो कारीगर सामने वाला।
भाई अब मैं खा के देखता हूँ कैसा बनाया है। अमेजिंग चिकन बना है, मजा आ गया भाई, रियल में एकदम मस्त लग रहा है यार।